ओके गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले ये रियाज कोड़ी की शॉर्ट आउट। तो अगर आपको भी मेरे वीडियोस में शॉर्ट आउट चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो। सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। एंड गाइस, आज की वीडियो में हम लोग खेल रहे क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग। और गाइस, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी क्राफ्टिंग एंड बिल्डिंग की सर्वाइवल सीरीज। तो जैसा कि आप लोगों को याद होगा, लास्ट एपिसोड में मुझे एक विलेज मिला था और गाइस मैं उस विलेज से बहुत ज्यादा दूर चला गया था उस जगह को एक्सप्लोर करने। बट गाइस फिर मुझे वो विलेज मिला ही नहीं, तो विलेज ढूंढते ढूंढते मुझे एक रोविन मिला। तो ये देखो, ये रहा वो रोविन। और गाइस रवीन में मुझे बहुत सारे आयरन और भी काफी सारे चीजें मिली है, और भी बहुत सारे चीजें हैं इस रवीन में। बट गाइस मैंने अभी वो सब कलेक्ट नहीं किया है, मैं बाद में कलेक्ट करूंगा। तो अभी मेरे पास टोटल 20 रेड स्टोन डस्क और 63 आयरन इंगेट हो गए हैं। ओके गाइस, कुछ देर में रात होने वाली है और यार मेरे पास बेड भी नहीं है। बट गाइस अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारे शिप्स हैं, तो मैं इनको मारकर अपना बेड इजिली बना लूंगा। तो मेरे पास एक कुल हो गई है और मुझे और दो शिप को मारना होगा। वेल गाइस, मैंने बेड बना लिया तो मैं सो जाता हूँ। और गाइस मैंने सेकेंड डे भी सरवाइव कर ली इस सर्वाइवल वर्ल्ड में। ओके गाइस, फाइनली सुबह हो गई है और यार आज मैं फिर से इस वर्ल्ड को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, क्योंकि अगर आसपास विलेज हो तो मुझे मिल पाए। तो पहले तो मैं इस पिक को मार कर इसका मीट ले लेता हूँ। वेल गाइस, इधर की तरफ से मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ और यार यहाँ पर दो डॉग्स हैं, तो मैं इन्हें टेम कर लेता हूँ। कल रात को मैंने स्केलेटन्स को मारा था, तो मेरे पास बोन्स भी हैं, तो मैं इन दोनों को टेम करने वाला हूँ। ओके, तो इससे मैंने बोन खिला दिया और ये टेम हो गया। तो फाइनली यार उसे क्यों मारने लगा भाई, ये छोटा डॉग भी इसे मारने लगा। यार ये क्या हो रहा है, मैंने उसे टेम किया तो ये दोनों उन्हें क्यों मारने लगे, और भाई तूने उन दोनों को क्यों मार दिया। ओके गाइस, चलो कोई बात नहीं, मेरे पास एक ही डॉग काफ़ी है, ये मेरे सफ़र में मेरा साथ देगा। तो चलो यार मैं सीधे सीधे चलता हूँ। और मुझे वहाँ पर विलेज टाइप कुछ दिखा, यार प्लीज़ ये विलेज हो, प्लीज़ 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 भाई ऊपर चल जा जल्दी जल्दी। ओके गाइस, यहाँ पर विलेज है भाई, मेरी किस्मत। और यार ये सीड लिटरली इतना ज़्यादा अच्छा है मैं बता नहीं सकता। वेल गाइस, इस विलेज में विलेजर्स भी हैं, नहीं तो जो मुझे लास्ट विलेज मिला था उस विलेज के सारे विलेजर्स ज़ॉम्बी विलेजर बन चुके थे। बट गाइस वो भी विलेज बहुत ज़्यादा सही था, अगर मैं उनको नॉर्मल विलेजर में कन्वर्ट कर देता तो वो मुझे बहुत ज़्यादा सस्ती ट्रेडिंग कर सकते थे। चलो यार पहले तो मैं इस विलेज को पूरा लूटने वाला हूँ। इस विलेज से जो जो काम का सामान है मैं सारे सामान को ले लेता हूँ। तो यहाँ पर ब्रूइंग स्टैंड है तो मैं इसे ले लेता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर एक विलेजर सो रहा है और इसके घर में एक चेस्ट है, तो मैं इसके चेस्ट का सारा सामान लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे पोटैटो और एप्पल्स मिल गए हैं, तो मैं इन सारे को ले लेता हूँ, मेरे खाने का जुगाड़ हो जाएगा। और गाइस मेरा डॉग भी मेरे पीछे पीछे इस घर में आ गया है, तो मैं यहाँ पर इस विलेजर को उठाकर सो जाता हूँ। ओके, तो मैं सो रहा हूँ और ये डॉग विलेजर्स को भी मार दिया, भाई ये डॉग क्या कर रहा है। ओके गाइस, मैंने थर्ड डे भी सरवाइव कर ली है और यार मैं अभी तक एक बार भी नहीं मरा हूँ। और गाइस मेरा डॉग कहाँ पर चला गया, वो मुझे कहीं पर नहीं नजर आ रहा है। कहीं विलेजर ने डॉग को तो नहीं मार दिया भाई, विलेजर डॉग को मारता है क्या। ओके, तो ये डॉग आ रहा है, कहाँ चला गया था भाई तू, कहीं पर मत जाना, तू मेरा पहला साथी है। वेल गाइस, मैंने सारे विलेजर्स के हाउस को चेक कर लिया बट कहीं पर भी मुझे काम का सामान नहीं मिला। तो ये लास्ट हाउस बचा है तो यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर एक चेस्ट है और गाइस चेस्ट में सैडल है। गाइस सैडल रेयर होता है कि नहीं प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आज तक मुझे सर्वाइवल में सैडल नहीं मिला है। तो यहाँ पर आयरन भी बहुत सारे हैं तो मैं इन्हें भी ले लेता हूँ। और गोल्ड दो था तो गोल्ड मेरे पास टोटल चार हो गए हैं। वेल गाइस, मेरे पास बहुत सारे आयरन हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर एक क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर अपने आर्मर को आयरन के बना लेता हूँ, ताकि मैं थोड़ी देर प्रोटेक्ट रह पाऊँ ज़ॉम्बी अटैक करें। तो मेरे पास बहुत सारे आयरन हैं, तो मैं यहाँ पर फुल आर्मर सेट बना लिया है और इसे पहन भी लेता हूँ मैं। ओके गाइस, ये देखो हीरो लग रहा हूँ ना मैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, हम बहुत ज़्यादा क्लोज हैं 20K सब्सक्राइबर के। तो प्लीज़ यार जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो। और गाइस आपको सर्वाइवल सीरीज मेरी कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जोर से बताना, और ये भी बताना मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और गाइस मैं इस विलेजर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, क्योंकि ये देखो ये सेकंड लेवल पर मुझे क्या दे रहा है, ये मुझे कोई इंचेंटेड स्वॉर्ड दे रहा है जो कि शायद से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो मैं इसे सेकंड लेवल की करने की कोशिश कर रहा हूँ। वेल गाइस अब ये ट्रेडिंग नहीं कर रहा है तो मैं इसे सेकंड लेवल पर बाद में आकर कर दूंगा, तब तक लिए भाई तू इंतजार कर। ओके गाइस, इस विलेज में मुझे एक हॉर्स मिला था तो मैंने उसे टेम कर सेडल पहना दिया है। तो अभी मेरे पास दो पेट हो गए हैं, एक हॉर्स और एक डॉग। तो गाइस बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है, अब मेरे पास दो साथी हो गए हैं। ओके गाइस, मैंने इस विलेज को लगभग पूरा लूट लिया, इसलिए मैं इस विलेज से थोड़ा सा दूर आ गया हूँ, क्योंकि गाइस मुझे अपना पुराना विलेज को ढूंढना है, क्योंकि यार वहाँ पर ज़ॉम्बी विलेजर्स हैं, तो मैं इनको नॉर्मल विलेजर्स में कन्वर्ट करूंगा तो मेरा बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो उस विलेज को ढूंढना बहुत ज़्यादा ईजी है।
वेल गाइस, मैं इस रविन के पास फिर से आ गया हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरी फर्स्ट एपिसोड देखी होगी तो आप सभी को पता होगा कि वो वाला विलेज कुछ ऐसे ही बायोम में था। उस विलेज के आसपास कुछ ऐसे ही ब्लैक वाटर थे और इस वाटर को क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, तो मैं यहाँ से सीधे सीधे इस वाटर को फॉलो करता करता जाने वाला हूँ, क्योंकि गाइस इसे मैं फॉलो करूँगा तो मुझे वो विलेज मिल सकती है। तो यार जल्दी जल्दी मैं चलता हूँ और मेरे पास हॉर्स है तो मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ओके गाइस, मैं ब्लैक वाटर को फॉलो करता करता बहुत ज़्यादा दूर आ गया हूँ और यार ये देखो मुझे विलेज मिल गई। मैं सही था यार, आप देख सकते हो, और शायद ये वही वाले विलेज है। तो जल्दी से मैं चलता हूँ, या ये वही वाले विलेज है, क्योंकि ये देखो उस विलेज में कोबवेब लगा हुआ था हाउस में और इस विलेज में भी है। वेल गाइस, यहाँ पर एक डॉग है तो मैं इसे बोन देकर टेम करने वाला हूँ, तो मेरे पास दो डॉग हो जाएंगे तो यार ब्रीडिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो मैंने इसे टेम कर लिया है और भाई चल यार तू भी साथ आ जा, तो अब मेरे पास दो डॉग हो गए हैं। ओके गाइस, आज की इस वाले वीडियो में बस इतना ही, और यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा तगड़ी बन गई है, क्योंकि इस वीडियो में मुझे अपना पुराना विलेज भी मिल गया और न्यू विलेज भी मुझे मिला, और गाइस मेरे बहुत ज़्यादा साथी भी हो गए हैं, दो डॉग्स और एक हॉर्स। तो गाइस बहुत ज़्यादा मजा आया, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग इंतजार करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय सायोनारा। इनको क्या पता मेरे घर ही कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं पूरा सहमत, सारी जिंदगी इन्होंने मुझको रुलाया।